हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जेएनयू छात्र संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप, कहा जांच के नाम पर झूठ फैला रही है पुलिस, पहले एबीवीपी के लोगों ने की मारपीट। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने की केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से मुलाकात, दिल्ली के केरला हाउस में हुई मुलाकात के दौरान जेएनयू हिंसा और उसके बाद के हालात पर हुई चर्चा। जेएनयू हिंसा पर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी, रिपोर्ट में वाइस चांसलर की भूमिका को संदिग्ध बताया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने नागरिकता कानून के समर्थन में मोर्चा निकाला, लेफ्ट के विरोध में नारे लगाए। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों ने नागरिकता कानून के विरोध में किया प्रदर्शन, बेंगलुरु में महिलाओं ने निकाला मार्च। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीएए के विरोध में दिया धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कानून वापस लेने की मांग की। नागरिकता कानून के समर्थन में गोंडा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अगुवाई में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ हुआ प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया फिल्म छपाक का विरोध, जेएनयू हिंसा के बाद दीपिका ने किया था लेफ्ट छात्रों का समर्थन। मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी अपने परिवार के साथ फिल्म छपाक देखने पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा वक्त मिला तो हम भी देखेंगे। राजस्थान सरकार ने भी दीपिका की फिल्म को टैक्स फ्री किया। पीएम मोदी आज से कोलकाता के दो दिन के दौरे पर, सीएम ममता बनर्जी से हुई मुलाकात, ममता ने नागरिकता कानून वापस लेने की मांग की। पीएम मोदी के कोलकाता दौरे से पहले कुछ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, दक्षिण कोलकाता के गोल पार्क इलाके में वापस जाओ के नारे लगाए। नागरिकता कानून के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद के प्रदर्शन में शामिल हुई ममता बनर्जी, कहा यह कानून सिर्फ कागज पर रह जाएगा, कभी लागू नहीं होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पीएम मोदी से मुलाकात, बजट में राज्य के विकास के लिए खास सहयोग देने की गुजारिश की। 19 फरवरी को होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जेपी नड्डा का चुना जाना लगभग तय। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग, मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया गाना लगे रहो केजरीवाल। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया, प्रियंका और मनमोहन सिंह शामिल हुए, राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की धमकी, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले अधिकारी शोले का तेरा क्या होगा वाला डायलॉग याद कर लें। यूपी में कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर सीएम योगी ने लगाई मोहर, मंगलवार को कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव, लखनऊ और नोएडा में तैनात होंगे पुलिस कमिश्नर। गांधीनगर में गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, सीएए पर विपक्षी दलों को किया चैलेंज, पूछा इसमें कहां है नागरिकता छीनने का प्रावधान। सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक पोस्ट कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी।